शांति, ओम शांति। फिर से बोलो ओम शांति। वंडरफुल। पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। पहला गीता, वो भी दिन अति प्यारे, ये भी दिन प्यारे, बाबा साथ हमारे। बहन ये गीत कितना अच्छा है, बाबा साथ हमारे, वो दिन कितने प्यारे, अब भी दिन प्यारे, बाबा साथ हमारे। क्यों ये देखा, अब ये खुशी जिसको है हाथ उठा, बाबा साथ हमारे। अच्छा वो दिन प्यारे, अभी ये भी दिन और प्यारे हैं। मैं सुन रही हूँ सुषमा बहन, रानी बहन, फलानी बहन, अच्छी अच्छी बातें आपको सुना रहे हैं। मैं क्या सुनाऊँ। मैं कहती हूँ बस बाबा साथ हमारे है ना, तो अडोल चल चले, मन कहा नहीं डोले, मन कुछ भी हो जाए। बाबा ने इतनी शक्ति दी है, जो कहता है बच्चे तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी जीवन लाइफ औरों को बताएंगी दिखाएंगी, शब्दों में नहीं आना। तो मैं शब्दों में क्या हूँ, जिसने इतनी ऐसी ऐसी जीवन कैसे जीना है, वंडरफुल ये लाइफ है, सारे क्लब में ये लाइफ, सारे क्लब में 5,000 में ये जो कुछ बाकी सो थोड़ा साल है, थोड़ा है, 80 साल तो हो गया बाबा के साथ। बाबा साथ हमारे है ना, अब भी साथ हमारे है ना। तुम कितना छोटे, इतने छोटे, अभी देखो मैं क्या कहूँ। बाबा ने कमाल किया है, इतनी सारी रचना को देख, सभी युगलों को देख। शुरू शुरू में पहले कोई भी भाई आए या बहन ज्ञान में आए, झगड़ा जरूर होता था। पति आए या पत्नी, पहले ज्ञान में जो आया झगड़ा, अभी झगड़ा नहीं करते, खुश होते हैं, सभी युगल खुश है ना। वंडरफुल वंडरफुल। तो ड्रामा वंडरफुल है, या बाबा वंडरफुल है, या आप वंडरफुल है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, और अभी बाबा हमारे साथ है, तो हमको क्या करने का है, कैसे बाबा हमारे साथ है, शिक्षक भी है तो रक्षक भी है, समझा मेरी बात, शिक्षक भी है, शिक्षाओं को पालन करने के लिए हमारे ऊपर रक्षक भी है। उसकी छत्र छाया के नीचे रहने से, उसकी छत्र छाया। मैं एक बात सुनाती हूँ, मैंने कभी छतरी हाथ में नहीं उठाई, कोई बरसात पड़े, धूप होवे, कुछ भी हो, कभी छतरी को हाथ में उठाऊ नहीं। जब भी कोई बरसात होगी कुछ, छतरी लेकर के मेरे पीछे कोई आता है, ये मेरी लाइफ है, मैं छतरी हाथ में उठाऊ।
अक्ल ही नहीं, पर मैं देखूं अपने आप कोई छतरी लेकर के मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो ये बाबा हम बच्चों के लिए कितना रक्षक है। कभी दुख होता नहीं है। एक बारी मैंने ये बात सुनाई है, फिर भी सुनाती हूँ। बाबा ने मुझे कहा, मैं मम्मा के खटिया पर बैठी थी, मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद उस बाबा ऐसा मुझे देखा, बड़े प्यार से कहा, बच्ची क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या करूं बाबा, सामने खड़ा है, मैं क्या कहूं। मैं उठती थी, कहा नहीं नहीं बैठी रहो, फिर प्यार से कमरे में लेके गया जहां बाबा का फोटो रखा है ना, वहां बाबा का दरवाजा था, बाबा लेके गया, साथ में खाना खिलाया, बाबा साथ हमारे खाना खिला के फिर चारों क्लास में मैं आता हूँ। तो रात को क्लास में मैं गई है, बाबा आया, बाबा क्लास में पूछता है, कभी दुख तो नहीं करती हो? मैंने कहा बाबा नहीं, दुख देना या दुख लेना, सारी लाइफ का वैल्यू कम करना। दुख थोड़ा भी होता है, वैल्यू कम है। सुख दुख, मान अपमान, निंदा औसत, हार जीत, कुछ भी है न, खेल है न। हम कहूँ नहीं, हार न हो जीत ही हो, जीत तभी है जब हम खेल समझते हैं। वंडरफुल है, थोड़ा समय ये खेल है। हम पाठधारी है, खेल बना बनाया है, बना बनाया। अभी हमारे से बाबा वो करण करावन हार, क्या करना है, ऐसी शिक्षाएं अच्छी दी है। एक एक सुरली की रोजाना मुरली पहले जमाने में नहीं होता था, अभी रोजाना मुरली जो यहाँ चलती है वो सब सारे विषय में चलती है। ये कैसे सिस्टम बन गई, जो यहाँ मधुबन में चलती है ना, आज की मुरली सारे विश्व में, उनके भाषा में भी, भले इंग्लिश भाषा हो या और भाषा हो, जर्मन भाषा हो, कुछ भी हो, पर मुरली उसी भाषा में जरूर सुनने पाने के मिलती है। मेरे को सिंधी में मिलती है क्यों, मैं वो ज्यादा सहज पढ़ सकती हूँ, अगर हिंदी में होंगी थोड़ा सा टाइम लगेगा, सिंधी में भाषा में तो कोई देखता है कहता है मेरे पास भेजो ना सिंधी में, यहाँ जो बनाने वाला मेरा भाई है हमारे पास अच्छी बड़े से शब्दों में। मुरली आईना है, मुखरा देख ले प्राणी, मुरली में अपने आप को देखो, बाबा क्या कहता है, मैं क्या करती हूँ, समझा?
बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है एक बाबा कहते लगाओ बिंदी, बिंदी एक को बिंदी लगाओ तो दस हो जाता है, ज्यादा सोचो तो कमाई खलास। अगर कमाई करने का भावना है संगम युग पर, कर्म बड़े बलवान है, परमात्मा सर्वशक्तिवान है, पर हम जो उसको देख करके उनसे जो शक्ति मिलती है वो सर्वशक्तिवान है। कौन है आया परदेसी, कौन आया जिसने आकर के हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये गीत कम ने बजाता है, बाबा अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, अभी हम कोई बात मुश्किल नहीं है, न हुई है न होंगी। मेरे से शाम को पूछते हैं क्लास में चलेंगी, हाँ हाँ मैं चले। देखो कितनी अच्छी, ये आकर बैठ गई यहाँ, पहले तो थी नहीं। अच्छा ये दिन कितने प्यारे हैं अभी के, और जो पीते दिन वो कितने प्यारे थे, क्योंकि बाबा मिला ना, बाबा कैसे मिला, कैसे मिला, मैं कहती हूँ गोद बिठा के गले लगाया, पहले गोद बिठाया फिर गले लगाया और पलकों में बिठा के उड़ा रहा है, पलकों में, ये पलक मैं अंदर बिठा के भूल गए है, मैं शरीर हूँ आत्मा हूँ, आत्मा बिंदी है, छोटा सा स्टार है। बाबा ज्ञान सूर्य है, कल मामा का दिन था ज्ञान चंद्रमा है मामा, जहाँ सूर्य और चंद्रमा वहाँ सितारे चमक रहे हैं। अभी मैं एक मिनट देखूं शांति से, या देख लिया सभी सितारे चमक रहे हैं। ये चमक, ये इतना मीठा इतना प्यारा शिव बोला भगवान। तो मैं देखती हूँ शिव बाबा भोला भगवान है, या ये बोले भगवान ने हमारा भाग्य बनाया है। वो तो आता ही नहीं है ना नीचे, पर इसमें आ करके ब्रह्मा बाबा से अभी मुखरा देख ले प्राणी, ब्रह्मा बाबा दर्पण है ना, मैं कौन हूँ मेरा कौन है और मेरे कर्म कैसे है। हमारे कर्म ऐसे हो जो कभी भी साधारण न हो, श्रेष्ठ कर्म, क्योंकि ये मैंने बात सुनाई है पर आपको नहीं सुनाई होंगी। बाबा बॉम्बे में था, मैं भी बॉम्बे में थी, बाबा ने प्यार से
जब अबू में आ रहा था ट्रेन में चढ़ के, तो मेरे को था मैं बाबा के साथ जाऊं, पर बाबा में सेंटर नहीं था। हम लोग के मां के घर में रह करके समुद्र के किनारे पर बैठ के सेवा करते थे। तो अभी झाड़ बनना था थोड़ा, तो झाड़ रख करके तो कई लोग आकर बैठते थे वाली सी फेस पर, अच्छा लगता था। जो आज भी मुरली में झाड़, परंतु झाड़ बना तो आठ बहन भाई नीचे रखा था, आठ बहन भाई नीचे रखा था, पर मेरे को नहीं रखा था। मैंने बाबा को कहा, बाबा फाउंडेशन में औरों को रख, मेरे को है। तुम बाबा ने ऐसे जो हाथ किया ना, धीरे धर्मनवा, धीरे धर्मनवा, अभी भी मुझे कहता है तुम धीरज रखो ना। अरे मेरा धीरज नहीं तो मुझे यहाँ तक रखा है, अगर धीरज न होता ना कहाँ होती हम। पहले बना धीरज दर, सुख आप ही हमारे प्रकृति दासी है। ये वंडर है, मेरा काम है सब जहाँ कुर्सी पर आना बिठाना औरों का काम है, पर गीत बजाना दूसरे का काम है, पर ये माइक देना औरों किसका काम है। भले करो मैं क्या हूँ, सिर्फ यहाँ बाबा को साथ लेके आई, यहाँ बाबा लेके आया। क्यों एक दो को देख सुख मिलता इलाही है, क्योंकि ऐसी सभा मैंने पूछा, मुझे बताते नहीं है कब तक ये युगलों का होगा, मुझे बताते नहीं है। आज बोला अभी भी है, चलो देखो मक्खी है, चलो बहन अच्छा और बात सुनाती हूँ, एक एक बात। कभी मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं औरों को नहीं शिक्षा दिया है, कभी कभी दिया है शिक्षा, कभी दिया है शिक्षा, परंतु आपको हमारे लाइफ से शिक्षा मिली होगी, ठीक है, शब्दों में नहीं दिया है। लाइफ ऐसी हो जो दूसरों को जैसे लाइट मिल गई, लाइफ कैसी हो त्री पर बिस्तर है, ये इसमें बिस्तर है, हम भारतवासी सुख स्वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं, और मुस्लिम लोग बिस्तर कहते हैं। त्री पर जो इन हाथों से जैसे कर्म करेंगे, हमारा प्रारब्ध बनती जा रही है,
बनाना ही पड़ती है, अच्छी बनती जा रही है। दिल में गारंटी है, मैं जाएंगी बाबा के साथ जाएंगी, ऊपर अकेली नहीं जाएंगी। मेरा बाबा ऐसा है, अव्यक्त तो करके भी सूक्ष्म वतन में बैठ हमको अपनी अपना बना के कितना सुख दे रहा है। जो हम सुख दुख से न्यारे, पाप पुण्य की इतनी अच्छी समझ दी है, जो कोई भी कर्म ऐसा न हो जो कोई देखने वाला या सुनने वाला ये क्या करे ना। अच्छे कर्म दिल को, दिल वाला के मंदिर में मुझे साकार बाबा ने एक बारी कहा, जब मैं अबू में आए तो कहा बच्ची दिल वाला मंदिर में गई हो? बाबा ने नहीं कहा, बच्ची आओ जाओ अपना कमरा देख करके आओ दिल वाला मंदिर। मैं बाबा गई थी दिल वाला मंदिर, वो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वो मुझे वाइट साड़ी में देख ऐसे पूछने, मैंने कहा मेरे बाबा का यादगार है ना यहाँ। तो मुझे आज किसी ने क्वेश्चन पूछा, तुम कहते हो हिम्मत बच्चे मदद बाप, सच्ची दिल पर साहेब राजी, नियत साहब मुराद हासिल, लाइफ है हिम्मत बच्चे, कभी हिम्मत नहीं छोड़ी है। मैं आप युगल बैठे हैं ना, मैं वो बातें सुना रही हूँ जो जीवन भर में कभी भी आप हिम्मत छोड़ के ऐसे नहीं बैठ जाओ, क्योंकि हम दौरी नहीं पहनना है पर उड़ना है। दौरी पहनते कभी थक भी जाते हैं, चल उड़ जा रहे पंछी, ये देश हुआ देवाना। तो उड़ना कैसे है, कल भोग लगाना रुक्मणी बहन सभी मैं भी बैठी थी, वो भी यहाँ बैठी थी, कैसे उड़ जाती है बाबा से। ये सब हमारी सभा में बीच में सब बैठे हैं, वो उड़ जाते हैं। तो मैंने एक बारी बाबा को कहा, बाबा मुझे भी संदेशी बनाओ। मैं कलकत्ता में थी जब भोग लगाना था, तो संदेशी नहीं थी। तो बाबा ने कहा बच्ची, मैंने कहा बाबा संदेशी नहीं है मैं, भोग कैसे लगाएंगे? बाबा ने कहा तुम थाली लेकर नहीं जाओ, तुम से ऊपर जाओ थाली पहुंच जाएगी। ये साकार बाबा ने कहा, इतनी वंडरफुल, तुम ऊपर बैठ जाओ थाली तुम नहीं लेके जाओ। तो मैं तब से लेकर के ये नहीं कहती हूँ मेरे पास संदेश ही नहीं है। अरे संदेशी, और फिर आज किसी ने कहा तुम सारे विश्व को संदेश दे रही हो, मैं कहा संदेश सिर्फ दूंगी तो भूल जाएंगे, पर क्या बनना है, कैसे बनना है, वो आईना अगर आपको मिल गया तो आप बन जाएंगे, तो मुझे गारंटी है। मुखरा देख ले प्राणी है पर दर्पण बैठ,
दर्पण में देखो, जरा भी जो कोई कमी होगी दिखाई पड़ेंगे। अभी हमारे बाल बनाएंगे पर दर्पण में मैं देखेंगे ना, दर्पण कोई घर में दर्पण न हो, हो सकता है? हो सकता है? तो ये भी हमारा दिल दर्पण है, दिल साफ है तो, दिल साफ है तो भगवान हमारे से खुश है। भगवान भाग्य विधाता है ना, परमात्मा ईश्वर, हमारे हिंदी में अच्छी बात है। वो कौन है? परमात्मा है। ईश्वर की गतिमत ईश्वर जाने और न जाने गोए, हमारे सदगति करने की ईश्वर जाने। पर भाग्य भगवान है मेरा साथी, हम भाग्यवान हैं। भगवान मेरा साथी है, क्या करेगा काजी, मैं डरती नहीं हूँ काजी। तो हम डरे, फिर पूछा तुम डरती नहीं हो? मैं डरूं किससे? अपना मित्र आप है, सभी को अपना मित्र मान, कोई मेरा शत्रु नहीं है। है कोई शत्रु? हाथ उठाओ। नहीं ना, सब मित्र है ना। भगवान को मित्र बनाया तो मनुष्य कैसे नहीं बनेगा? निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा स्वर, भले कोई निंदा भी करता है पर मित्र है। हमारी दृष्टि वृत्ति में मित्रता भाव हो तो भगवान भी देख रहे, ये भाग्यवान बच्चा है, इसको भाग्य में बनाने में, भगवान का बच्चा होने से वो हमारे साथ है। कितना याद आते है, अच्छी बीठा है, भले शिव बाबा को भोलानाथ कहते हैं पर वो भोलानाथ का अनुभव ब्रह्मा बाबा से हुआ ना। बाबा को राजी करना हो तो बाबा की दृष्टि से इतनी अंदर शक्ति आती है, वो शक्ति वायुमंडल में चले जाए, न सिर्फ मेरे को मिली पर वायुमंडल में सब में बाबा की दृष्टि कमाल करती है। अभी यहाँ सभी बाबा की दृष्टि से हैं, कितना खुश हो, खाना पीना रहना तो अच्छा है ना, सब वो भंडारे में खाना अच्छा मिलता है ना, सोने के लिए अच्छा है ना, बाकी क्या है। तो सदाई ऐसा बाबा ने वंडरफुल प्रकृति को भी आर्डर है, हमारी दासियों कर रहे तन भी मदद करता है, मन भी मदद करता है। मन कहाँ और जागा जाता ही नहीं है बेचारा, कहता है तुम्हारा मन
मनोरो मोहन सा मोह जियो जैसे अटो पानी में गोए जियो, समझाइए। अरे वंडरफुल है, मन मोहन से मोह जियो उसमें, कैसे जैसे अट्टा पानी में गोए जियो। फिर वो अट्टा अलग हो सकता है क्या? नहीं, पानी में अट्टा बन गया फिर रोटी बन सकती है, क्या बन रहा है? तो हमारा इजी है ना, सर मन मोहन सा मोह जी बन गए। अच्छा, ऐसा जो अलग हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं मन मोहन सा मोहन बहुत मीठा है, दिन रात सुपन में भी वो ही आता है। संकल्प में भी वो ही, संकल्प सुपन, कोई और आता ही नहीं, आज बात ही नहीं है ना। अच्छा, मुझे उठाएंगे सबसे ऐसे ऐसे करने के लिए। कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, कदम कदम पर बाबा की याद दिलाते, ईश्वरिया बचपन को भूला ना देना, ईश्वरिया बचपन को भूला ना देना, सदा प्रभु की गोद में है पलते, सदा प्रभु की गोद में है पलते, माया को पास कभी आने ना देना, माया को पास कभी आने ना देना, खुश रह सो मालिक बन सदा आगे बढ़ते रहना, ओ बालक सो मालिक बन सदा आगे बढ़ते रहना, महादानी बन सब पे वरदान लुटाते को भूला ना देना।
सदा दुआएं देते रहना। विश्व की सेवक बन सदा दुआएं। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान। वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान। वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। मेरा बाबा है, तू मेरा बाबा है।
चलते चलते चलते